हेलो भाई जी, सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन कर रही एजेंसी की तरफ से अभी तक की एक बड़ी और शॉकिंग न्यूज आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कांटी जो एजेंसीज आई हैं उन्होंने अपना छानबीन करना स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें एनसीबी की तरफ से आए दिन जो है एक न एक अपडेट आती ही रहती है। और एनसीबी जो है लगातार लोगों को अरेस्ट कर रही है और आगे भी करती रहेगी जैसा कि लग रहा है। कई अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस बंदे की अभी गिरफ्तारी हुई है ये बंदा जो है पान बेचने वाला है। एनसीबी ने जो है आज एक ऐसे बंदे को अरेस्ट किया है जो कि पान बेचता है, मुंबई का सबसे बड़ा और फेमस पान वाला है। इसका नाम है मुच्छड़ पान वाला। और ये जो बंदा है गाइज, ये इसलिए सबसे बड़ी गिरफ्तारी इसको बोला जा रहा है क्योंकि ये इसके फार्म हाउस में अच्छी खासी मात्रा में जो है ड्रग्स मिली है एनसीबी को। जब इसके गोदाम में ले जाके इसके गोदाम में छानबीन की गई, एनसीबी ने जाके छानबीन की तो अच्छी खासी मात्रा में ड्रग्स की पूरी खेप जो है इसके घर पे पाई गई है। ये इस बंदे के ऊपर किसी को इसलिए शक नहीं होता था क्योंकि ये और पान बेचता था और पान के साथ साथ जिनको भी ड्रग्स की जरूरत होती थी उनको सप्लाई कर देता था और किसी को इस चीज का भनक भी नहीं लगती थी। बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार हों या जो भी वहाँ पे जो छोटे स्टार भी हैं वो उनको ड्रग्स लेने के लिए बहुत आसान हो जाता था इस पान वाले से, क्योंकि इसके पास अगर कोई जाता है तो किसी को भी कोई शक नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये जो है फेमस है पान के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पान खाने के लिए गए हैं। लेकिन ये बंदा पान के साथ साथ अपना ड्रग्स का एक अलग ही धंधा स्टार्ट किया था। और इसको जो है एनसीबी ने पकड़ने के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि ये अभी जो है बहुत सारे लोगों का सच उजागर कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बड़े बड़े ये ड्रग डीलर हैं वो इससे कांटेक्ट में थे और ये उन सारे बड़े ड्रग डीलरों का नाम जो है पब्लिक के सामने कर देगा। गाइस आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।